पुलिस विच भर्ती आ रही है, इहदे बारे तुहानू पहला ही मैं सूचना दे चुकिया सी। और कल शाम नू कैप्टन अमरिंदर सिंह उहनां दी ट्वीट आई और फेसबुक पेज दे उत्ते इनफॉर्मेशन आई कि भर्ती दा ऐलान हो गया है। उहदे बारे कुछ इनफॉर्मेशन थोड़े नाल कल सांझी कीती सीगी और अज कुछ होर चीज़ां जिहड़ियां मैनूं लगदियां ने कि बहुत इंपॉर्टेंट ने और जिहड़ियां लगदा है कि शायद ऐड विच मिसिंग ने। अपने आप दे तजर्बे नाल मैं तुहानूं दस्सांगा कि की हो सकदा है और सब तो इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी उहदे विच होएगी दैट इज़ कि चार तरह दियां इह वैकेंसियां ने, चार कैडर ने, तां तुहाडी पहली पसंद किहड़ी होवे इहदे बारे भी अज आपां कुछ जानकारी हासिल करदे हां। सब तो पहला तां जिहड़ी चीज़ इत्थे मैं लगती है कि पता होनी चाहिए है, सारिआं नूं पता होनी चाहिए है, दैट इज़ कि आपां नूं पंजाब पुलिस बारे कुछ पता भी है। देखा जाए तो सारे हिंदुस्तान दे विच अप्रोक्सीमेटली कोई 15,555 थाने ने और पंजाब दे विच जे असी देखते हाँ तो पंजाब पुलिस नूं जिलों में डिवाइड किया होया, जिलों के विच ते कमिश्नरेट डिवाइड किया होया। पंजाब अज की तरीक दे विच तां एडमिनिस्ट्रेशन दे हिसाब नाल 23 जिले ने पर पुलिस दे हिसाब दे नाल पंजाब विच 24 जिले ने ते 3 कमिश्नरेट ने। सो इस तरह की छोटी छोटी इनफॉर्मेशन जिहड़ी सीगी पता होनी चाहिए है क्योंकि कितने ना कितने यह इनफॉर्मेशन थोड़े तो कहीं पूछी भी जा सकती है और थानू पता भी होना चाहिए क्योंकि जड़ी नौकरी की तुसी तैयारी करते हो उन्हां बारे जानकारी तो होनी चाहिए है ना। सो लेटस वर्क इन दस्त आप गल जी कर रहे थे इस वेले कि पंजाब पुलिस के कितनियां वैकेंसियां निकलियां ने, यह तो थानू पता लग ही गया होएगा क्योंकि कल असी थानू एक छोटी जी क्लिप बना के भेजी सी कि टोटल 560 वैकेंसियां ने और 560 दे विचों 299 दैट इज़ 289 इन्वेस्टिगेशन ने, 97 आर्मड पुलिस दे विच ने, 87 डिस्ट्रिक्ट लेवल दे उत्ते ने और 87 ही इंटेलीजेंस दियां ने। नाउ इन्हां दे विच आपस की फर्क है और जिवें मैं थानू पहला कहा कि पहली चॉइस कहड़ी रखिए इहदे बारे मैं थानू बाद विच दसदा जिवें जिवें अगे वधदे थानू दसदा, पर पहला कुछ होर इनफॉर्मेशन शेयर कर लईए कि एलिजिबिलिटीज़ कड़ियाँ ने और इंपॉर्टेंट डेटा कड़ियाँ ने। सो असी देखते हैं ये कि इंपॉर्टेंट डेट्स कड़ियाँ ने, इंपॉर्टेंट डेट्स जिवें कैप्टन साहब की जिहड़ी ट्वीट सी उस लिखा कि 5 जुलाई तो फार्म भरे जाने शुरू होणगे, कदों तक भरे जाणगे ये नहीं लिखा पर लगता है कि शायद ये कोई 24-25 जुलाई तक फार्म भरे जाणगे और 30 जुलाई तक फिर फीसा भरिया जाएगियां। ये मैं अपने क्यास लगा रहा कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और जिहड़ा टेस्ट होना है वह 17 अगस्त तो लैके 31 अगस्त के विच टेस्ट हो जाना और इस बार जिहड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टेस्ट एक नहीं 2 हो रहे हैं। दोबारा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट एक नहीं 2 हो रहे हैं, उन्हां बारे भी आपां गल करदे हां कि कड़े कड़े टेस्ट ने। और जे आप हम इतने देखिए कि एलिजिबिलिटी कंडीशन की है ने तो एज जी हैगी है उम्र यह 1 जनवरी 2021 को 18 से 28 दे होनी चाहिए है। मैनू पूरा इस गल का शुभा है कि बच्चे बहुत मायूस हो गए क्योंकि सब उम्मीद कर रहे थे कि 32 साल या इस तो ज़्यादा होनी चाहिए है क्योंकि ये भर्ती इन्नी देर बाद आई है और किन्ने ही नौजवान अपनी उम्र हंडा बैठे ने इस उड़ीक दे विच के पंजाब पुलिस की तैयारी करांगे और उहदे विच असी अपनी नौकरी हासिल करांगे। अजकल असी देखिए तां जे बच्चे दौड़ा लांदे सी सवेरे उठ के या तैयारियां करदे सीगे तां दो ही चीज़ां वास्ते कि या तां स्पोर्ट्समैन बनना या फौज विच भर्ती होना या पंजाब पुलिस भर्ती होना। जे पुलिस विच भर्तियां इन्नी लेट आन गियां तां आपे अजकल दे नौजवानां दा यही हाल होएगा कि वह इहदियां तैयारियां पिछे जैसे उदास हो जाएंगे। सो चलो जो भी आया इस वेले तुहाडे सामने है पर जिवें जिवें तुसी हो सकता है कि सरकार को अपील लगाओ और उन्हां नूं ट्वीट करो, रीट्वीट करो तां कि यह जिहड़ी लिमिट हैगी है कुछ वधाई जा सके, एज दी लिमिट वधाई जा सके। रिलैक्सेशनस यह आम नॉर्मल ही ने, दैट इज़ SC ST ते BC वास्ते 5 साल,
और एक्स सर्विसमैन वास्ते बड़ा सीधा जहा फॉर्मूला है कि 3 साल की रिलैक्सेशन है, और जे किसी की उम्र लेटर से कि 50 साल उम्र है तो उन्हें 20 साल नौकरी की है तो यह मनिया जाएगा कि उम्र उसकी 30 साल हो गई, और उन्होंने क्योंकि 3 साल की रिलैक्सेशन है तो दैट मीनस कि 31 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकता है। हुण यह गल समझा जाए कि उसकी उम्र 50 साल है पर उसकी उम्र कितनी मनी जाएगी, उसकी उम्र मनी जाएगी कि उसकी उम्र 31 साल है, ठीक है। दैट मीनस 51 साल तक की उम्र वाला बंदा जिन्हें 20 साल आर्मी दे विच एज ए सर्विसमैन नौकरी की हो भी ये अप्लाई कर सकता है, और उस तो बाद जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज ने उन्हां वास्ते भी रिलैक्सेशन 5 साल की है, प्रोवाइडेड कि उन्हां दी उम्र 33 साल तो ज़्यादा ना हो। सो ये तो जो सरकार ने अनाउंस किया है तुहाडे सामने है, शेयर कर रहा सीगा कि यह उम्मीद नालों क्योंकि बहुत देर तो बच्चे उड़ीक कर रहे हैं कि सानू ये पंजाब पुलिस से काम करने का मौका मिले। नाउ हुण आ जाता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हुण एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे विच सब तो वड्डी इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है। आम तौर पर जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसदे विच लिखा होंदा है एज एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। हुण इत्थे ये नहीं लिखा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन केड़ी तरीक दी, इहदा मतलब जिहड़े बच्चे ने 2021 दे विच ग्रेजुएशन कीती है या उहदे रिजल्ट हुण आउण वाले ने वो एलिजिबल होणगे कि नहीं होणगे। मैनूं पूरा उम्मीद है इस गल दी कि यह इस वास्ते जिहड़ी सीगी डेट घट्टो घट्ट यह 15 अगस्त, क्योंकि सरकार ने कहा सीगा कि यह जुलाई दे विच पेपर लैके बच्चों के रिजल्ट कढ दित्ते जाणगे। सो मैनूं उम्मीद है कि यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली जिहड़ी डेट है यह 15 अगस्त हो सकती है, और जे इन्होंने हाले डिसाइड नहीं किया तो असी अपील करते हैं पंजाब सरकार नूं कि घट्टो घट यह डेट 15 अगस्त का जरूर होवे, या वह तरीक होवे जदों के पंजाब गवर्नमेंट के ग्रैजुएशन के रिजल्ट निकल जाएंगे। सो इन डेटा दे विचों जिहड़ी डेट लेटर होवे ओह जिहड़ी सीगी बच्चों वास्ते अलाउ होनी चाहीदी है। सो दैट इज़ अवर अपील टू द गवर्नमेंट ऑलसो, और सारे बच्चों भी यही अपील करते हैं कि ये भी इस बारे अपना सरकार को अपील लगाउन। हुण पेपर किस किस्म का होएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर की होएगा, दिस इज़ ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिलेक्शन प्रोसीजर की होएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर से असी देखते हैं कि सरकार ने की कहा है, सरकार कहती है कि रिटर्न टेस्ट होएगा 2 पेपरों का, पेपर 1 पेपर 2, और इस बार पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑफलाइन पेपर नहीं होना। दैट मीनस कि तुहानू कंप्यूटर दे उत्ते ज़्यादा तो ज़्यादा टेस्ट देने की तैयारी करनी चाहिदी है, क्योंकि उत्थे फिर जाके किते ना किते अपने कोलों कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। मैं ऐसे बच्चे भी देखे ने कि जिन्हां नू पेपर पूरा आउंदा सी पर उन्हां दे 0 नंबर आया। मैं ऐसे बच्चे देखे ने, बड़े इंटेलीजेंट सीगे और 0 नंबर कदे आ नहीं सकदा, पर ओह जिहड़ियां कीज़ सीगियां वो कीज़ प्रॉपर कीज़ नू दबाना भुल गए, और अल्टीमेटली उन्होंने अपने फ्यूचर दे उत्ते क्वेश्चन मार्क लगा लिया कि वह पेपर या उन्हां नू कंप्यूटर दे उत्ते तैयारी नहीं सी कीती। सो ये गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट ने सारिआं वास्ते, और जिवें बच्चे कहिंदे हुंदे ने कि सानूं ऑफलाइन दिओ जी, ऑफलाइन दिओ जी, सानूं PDF दिओ जी, हुण तुहानूं चाहीदा है कि ज़्यादा तो ज़्यादा पेपर जिहड़े करो तुसीं ऑनलाइन पेपर करो, क्योंकि तुहाडी चंगी तरह तैयारी हो सके। फर्क पता है की पैंदा इस चीज़ का कि तुहाडी रीडिंग स्पीड किवें बनती है। कंप्यूटर दे उत्ते किसी चीज़ नूं पढ़ना और हाथ में कागज़ लैके लगता मैं रजाई दे विच बह के या बुकल जी मार के बह जावां ते उहदे च पढ़ां, बहुत फर्क होंदा इन्हां चीज़ों का। और इसे करके उस एटमोसफियर तुहानूं तैयारी करनी चाहीदी है जिस एटमोसफियर तुसीं काम करना है। सो ये पेपरों का सिलेबस की हैगा तुहाडे नाल मैं हुणे शेयर करदा, और इत्थे मैनूं वैसे सरकार की एक गल समझ नहीं आई। वो कहिंदे ने कि 2 घंटे का पेपर 100 क्वेश्चन, चलो टाइम खुला टाइम देता जिवें बैंकों के होंगे कि 100 क्वेश्चन होंगे
ਅਤੇ 60 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 4-4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ 25%, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੈਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 800 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਔਰ 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਕਿ 2-2, 4-4, 5-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੌਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1600 ਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ 3.65 ਮੀਟਰ 3 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਹਾਈ ਜੰਪ 1.10 ਮੀਟਰ 3 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 800 ਮੀਟਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਾਈ ਜੰਪ 0.90 ਮੀਟਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 1400 ਮੀਟਰ ਵਾਕ ਐਂਡ ਰਨ 9 ਮਿੰਟਾਂ 1400 ਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ 10 ਸਿਟਅਪ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਫ ਏਜ ਮੋਰ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 35 ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1400 ਮੀਟਰ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 10 ਸਿਟਅਪ ਵਿਦ ਇਨ 3 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਨ ਆਲਸੋ ਅਪਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1600 ਮੀਟਰ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਹੈ 9 ਫੁੱਟ 3 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਹਾਈ ਜੰਪ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ 6 ਫੁੱਟ 3 ਮੌਕੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਾਈ ਜੰਪ 2.5 ਫੁੱਟ ਉਹ ਵੀ 3 ਮੌਕੇ, ਔਰ ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 6 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪੇਪਰ 1 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ
और इस बार चंगी गल की कीती है, सिलेबस काफ़ी डिटेल च देता है, और जिवें क्वांट ते न्यूमेरिकल स्किल्स वगैरह वो सारिया दे सारिया चीज़ां इन्होंने कट्ठिया करके कि किहड़े किहड़े टॉपिक चो क्वेश्चन आने ने वह भी नाल क्लीयर कर दिता है। दैट मीनस कोई हुण गुंजाइश नहीं रही या कोई सोचने की जरूरत नहीं रही कि मैं ये वाला टॉपिक मेरा रह गया तो ये टॉपिक मैं कर लवा। सो जनरल अवेयरनैस कॉन्स्टीट्यूशन सेंट्रल एंड स्टेट लैजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यू कैन गो थ्रू द सिलेबस। आप सिलेबस जो करा तो सारा डिटेल पढ़ना ही पढ़ना आपने वो बारे चिंता कोई नहीं, पर बेसिकली पेपर वन में तीन पेपर होने हैं, दैट इज जनरल अवेयरनैस क्वानटीटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल स्किल्स एंड पंजाबी। और लगता कि पंजाबी का लैवल अच्छा खासा रहेगा क्योंकि 400 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन तो चलो 100 आने ने, पर घट्टो घट उम्मीद करते जा कि इतने 15-20 क्वेश्चन जो है वह 15 क्वेश्चन पंजाबी के होंगे। और जनरल अवेयरनैस और क्वांट के जरा 140 तो 145 नंबर इन्ने क्वेश्चन जो है ये आ जाने चाहिए ने। पेपर टू की गल करिए ये की चीज़ आ गई साड़ी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ना डाटा इंटरप्रिटेशन नॉर्मली असी देखते हैं क्वांट के नाल आता है, पर इस बार इन्होंने डाटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग के नाल ऐड कर दिता है। और दूजा जो टॉपिक है दैट इज डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनैस, दैट मीनस कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए है, और वो वास्ते जो थोड़ी तैयारी अच्छी होनी चाहिए है। फिर इंग्लिश का ये वास्ते घट्टो घट 10-15 क्वेश्चन तो आने ही आने ने। सो यही सिलेबस है। और एक पेपर होर से ये एथिक्स वाला पेपर आया सी जी, आई थिंक दैट वॉज इन पेपर वन, जो आप देखिए हो कि पेपर वन दे एथिक्स वाला पेपर अपना हो। हाँ जी एथिक्स, हाँ जी जनरल अवेयरनैस एक जी नवी चीज़ ऐड की गई है दैट्स इज एथिक्स। हुण ओह सवाल जिदा जिदे जवाब दा मैं लगदा कि थानू काफ़ी देर तो इंतज़ार सी और तुसी सोचते हो गए कि भी वह गल तो मैं कहते भुल गया, भुलिया नहीं। मैं थानू वह दसना चाहना कि चॉइसिस किवें भरीए। हुण चॉइसिस तो देखो कि किसी जगह के उत्ते तो चॉइस लिमिटेड हो गई, दैट मीनस कि जिन्हों की हाइट 5 फुट 5 इंच तक है वह तो सिर्फ दो ही पेपर भर सकते हैं, वो कि इनवैसटीगेशन देते इंटैलीजेंस के। पर जिन्हों की हाइट 5 फुट 7 इंच है वह डिस्ट्रिक्ट वाला भी भर सकते हैं, और फिर आर्मड पुलिस भी भर सकते हैं, तो इंटैलीजेंस भी भर सकते हैं, तो इनवैसटीगेशन भी भर सकते हैं। सो पहली गल तो यह हुई जी कि सारों पता होनी चाहिए। हुण दूजी गल कि जे मैं इन चार वास्ते एलिजिबल हाँ तो मेरी पहली चॉइस कड़ी होनी चाहिए ना। देखो है तो यह मामला दिल का, ये डिसाइड तो तुम करना है, ठीक है। पर किते ना किते जे मैं गल करां कि चॉइस कड़ी होनी चाहिए है, मैं थानू पहला तो यही गाइड कर दें कि जदों आप गल करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाली तो वो पोस्टिंग की होनी है, कोई थाना मिल जाना, ठीक है। दैट मीनस यू कैन बिकम ए SHO ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है। एंड दैट्स मैनू लगता है कि कितने भी हो पहली चॉइस जी यही होनी चाहिए है, क्योंकि थानेदार तो फिर थानेदार ही होंगे जी, ठीक है जी। और SHO जरा टार कोई वक्री होंगी है। बाकी दूजे नंबर के उत्ते जरा आ जाता PAP आ जाता है। PAP दे काम ऑलमोस्ट बराबर होंगे ने, पर यह आर्मड पुलिस होंगी है। जे थानू पता हो फगवाड़े विखे जरा पंजाब आर्मड पुलिस का सेंटर है, एंड दिस इज़ यूज इन केस ऑफ एक्सीजेंसी जरा यदा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो यह आई थिंक के इट कैन बी द सेकंड चॉइस। पर जी दूजिया चॉइसिस ने हम
चॉइस वंस अगेन ये मैं चॉइस तुसी अपनी मर्जी नाल भी डिसाइड करो कि थोड़ा दिल की कहना है। जेड़ा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है दैट इज इक्वलेंट टू जिवें CBI है। तुसी सीरियल देखते होने बहुत सारे जिवें वह एक सोनी के उत्ते सीरियल आता होंगे इन्वेस्टिगेशन के वो मुजरम पकड़ना दैट इज के किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करना और मुजरम पकड़ना दैट इज एक नवा डिपार्टमेंट पंजाब सरकार ने क्रिएट किया है कि आम तौर पर तो पंजाब छित्र परेड वाला काम मनिया जाता सीगा कि छित्र मारो तो बंदा आपे बोलूगा पर देखा जाता है कि सानू लेटेस्ट फोरेंसिक तरीकों के नाल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए है ता जाके जैसी प्रॉपर पता लगता है कि मुजरिम कौन है। और एक छोटी जी गल होर ठीक है कि मैं कितने अखबार में पढ़ रहा सी कि केरल दे विच केरल भी हिंदुस्तान ही है ना ठीक है केरल दे विच जिन्ने केस पुलिस फाइल करती है वो चो 94% दे विच सज़ा होती है 94% क्यों क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर तैयारी करके जासीगा वो केस जाते हैं कोई वो दे विच कोई उत्तर प्रदेश दे विच सिर्फ 4% केसिस दे विच सज़ा होंदी है क्यों क्योंकि किते ना किते और नॉर्थ इंडिया दी कई स्टेटां च मैं नाम नहीं लैंदा हुण उन्हां दा यह कहा जांदा है कि सिर्फ 4% केसां दे विच ही सज़ा होंदी है बाकी दे जिहड़े सीगे केस एवें निपट जांदे ने या मुजरिम एवें छुट जांदे ने उत्थे हो क्यों क्योंकि ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ 4 ਵਿੰਗਸ ਵਿਦ ਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਫਿਰ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ CID ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭੇਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ